हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विश यूज लाइफ मी मुंबई कर। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मेरा ब्लॉग आ चुका है। आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना जरूर। अभी मुझे बस मेरे मन की बात कहनी थी। अभी वाइटी से रिलेटेड ही है। उनको मैं बहुत पसंद कर रही थी। अभी हाल ही में उनका नाम भी मैंने अपना टैग यूज किया था, उनको जो मेंशन किया था कि मुझे वो बहुत पसंद है। पर उन्होंने कुछ एक ऐसी बात कह दी जो इंडियन कल्चर पे आ गई है, मैंने उनको उसी वक्त अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा काम ना करें कि वाईटी पे जो है वो एक हिंदू मुस्लिम वॉर चालू हो जाए। मेरी बस सच में दिल से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंसान जोश में आके इतना कुछ बोल जाता है ना, अपने होश खो बैठता है। तो आपने अभी इंडियन कल्चर पे बोला है कि पाकिस्तान में बैठ के तू हिंदू कल्चर फॉलो कर रहा है। नमस्ते सत श्री अकाल करने से कोई अपना कल्चर नहीं भूल जाता। अगर हम लोग सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम करते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई हमने अपना कल्चर छोड़ दिया है किसी भी कास्ट में। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब ना करें, ठीक है? और मैं मतलब क्या बोलूं, अब जब ये मैंने देखा है ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके ऊपर मैं क्या रिएक्शन दूं और क्या फिर कैसे रिएक्ट करूं। मैंने बोला था लास्ट टाइम भी, जहां पे जो चीज गलत होगी मैं वहां पे बोलूंगी जरूर, और यहाँ पे ये चीज मुझे गलत लगी है तो मैंने अपना ये वीडियो भी मैंने बना लिया तुरंत, क्योंकि मुझे सच में अच्छा नहीं लगा कि आप इंडियन कल्चर के बारे में बोलो या फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान के लिए कोई कुछ बुरा बोल रहा है। हम तो यार मतलब बोले ही क्यों? क्यों ऐसा काम करें कि जिसके वजह से दो लोग आपस में भिड़ जाए, दो जाति वाले लोग आपस में भिड़ जाए। हिंदू मुस्लिम क्या है, आप इंसान ही हो ना। तो ये सब चीजें मत करो कि जिसकी वजह से वाईटी पर हिंदू मुस्लिम वॉर चालू हो जाए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग रिएक्शन दे रहे हो, आप लोग ब्लॉग्स बना रहे हो, आप लोग ब्लॉग्स बनाओ, रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्शन दो, लेकिन किसी के कल्चर पे मत जाओ। इंसान सब कुछ सहेगा पर अपने कल्चर के लिए कोई कुछ नहीं सहेगा। मतलब यार मैं तो सच में यार क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर एक इंसान अपने कल्चर को लेकर ना बहुत प्राउड फील करता है, वैसे ही हम भी करते हैं। मुझे बहुत बड़ा प्राउड है, मैं बहुत सच में प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। क्योंकि आप जहां के हो आप अपने रिलीजन को कभी भूल नहीं सकते हो, कभी कभी मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो, कभी उसके खिलाफ कुछ बातें ही नहीं सुन सकते हो, तो बाकी के लोग कैसे सुनेंगे? आप लोग रिएक्शन दे रहे हो जिसके पास सही गलत फैसला करने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। आप लोग रिएक्शन दे दे के वाईटी पे इतना दिमाग खराब हो गया है कि मतलब आप अपनी ही इमेज डाउन कर रहे हो ये सब बोल के। आप लोग रिएक्शन दे रहे हो दो, लेकिन किसी के कल्चर के ऊपर बोलना मतलब कितनी गलत बात कह दी आपने ये। एनीवेज मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने जब से वो देखा मैंने उसी वक्त अनसब्सक्राइब कर दिया। पर मुझे लगा क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे जब लगेगा गलत हो रही है तो फिर वो चीज़ पे मैं बोलूंगी जरूर, तो मुझे ये चीज़ गलत लगी तो मैंने तुरंत अपना व्लॉग जो है वीडियो जो है वो मैंने बना दिया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और प्लीज आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, कल्चर के बारे में मत बोलो, ठीक है? किसी के भी रिलीजन के बारे में मत बोलो। हर कोई अपनी जगह पे सही है और सही गलत सच का फैसला करने वाले आप लोग नहीं हो। आप लोग वाईटी पे हो, व्यूज ले रहे हो, लो, पर बेफिजूल की बकवास, बेफिजूल की बातें प्लीज मत करना, ठीक है? चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, खुशी के साथ में। ये मेरी दिल की बात थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज ये सब मत करना।